हे गाइस, हाउ आर यू। देखा, हम दोबारा मिल गए यहाँ पर इसी चैनल पर। रुद्राक्ष स्टेट के नाम से मेरा चैनल है। मैं दोबारा अपना इंट्रोड करता हूँ आपको। मेरा नाम वीरेन है और मैं आपको आए दिन कुछ प्रॉपर्टीज़ की साइट विजिट्स जो है वो करवाता रहता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ब्रोसिया का अपर ग्राउंड फ्लोर। हम अम्ब्रोसिया का इससे पहले टॉप फ्लोर देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे इसका अपर ग्राउंड फ्लोर। अपर ग्राउंड फ्लोर क्या है सर? इस पर ना आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस वगैरह दी जाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी अंदर जाकर। फिलहाल मैं इसका बेसिक थोड़ा सा आपको एक दोबारा से आइडिया देता हूँ। ये जो फ्लोर है ये S+3 है। S+3 मीन्स आपका ग्राउंड फ्लोर पर आपको पार्किंग मिल जाती है, फिर आपका अपर ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर आपको 60% के रूफ राइट्स मिलते हैं। और जो अपर ग्राउंड के एडवांटेजेस जो आपको मिलने वाले हैं वो आज हम देखने वाले हैं। आइए, आपको दो गाड़ियों की कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है पर फ्लोर। यहाँ पर आपकी दो गाड़ियों की कवर्ड कार पार्किंग रहती है। आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ पर कवर्ड रहेगी। आपको आपके हर एक पिलर के जो सामने आप पिलर्स देख रहे हैं, इन पिलर्स के ऊपर आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग का नंबर वगैरह जो है आपको अलॉट किया जाएगा। अम्ब्रोसिया में ये जो फ्लोर है ये विद लिफ्ट है, तो ये आपका लिफ्ट का एरिया आ जाता है। लिफ्ट के एरिया का ये जो आप देख रहे हैं लिफ्ट का एरिया है। अच्छा, इसके पीछे से आप आइए तो यहां पर आपके ड्राइवर्स के लिए आपका एरिया अलग से दिया गया है। ड्राइवर्स के लिए यहां पर आपका उनका अलग से वॉशरूम बनाया गया, यहीं पर उनका मतलब बैठने का एक सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, तो वो यहां पर ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। स्टेयरकेसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतने ज्यादा इन्होंने ऊपर नहीं करे हैं, मतलब तो काफी इजी स्टेप्स इनके बनाए हैं कंपनी ने, ताकि आपकी फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग पर्सन भी है और लिफ्ट खराब है और उसको ऊपर चढ़ना है तो उसको चढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी इन्होंने छोटे स्टेप्स बनाए हैं और जो स्पेस है वो स्टेयरकेसेस का काफी वाइड रखा हुआ है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका कॉमन स्टोर रूम आ जाता है, जिसके अंदर मतलब आप अपना घर का जो वेस्ट सामान, जिससे मतलब जैसे लाइक झाड़ू पोछा हो गया या बच्चों की छोटी साइकिल होगी या वाइपर वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आप वो रख सकते हैं। आइए, ये सर हमारा मेन गेट है। वैसे ये खुला हुआ था तो हम अंदर एंटर कर जब करते हैं तो दिस एरिया इज योर ड्राइंग एरिया, या इसे हम लिविंग एरिया भी कह सकते हैं। जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपना डिनर कर सकते हैं या लंच या ब्रेकफास्ट। आपका हर एक एरिया जो है मतलब आपका चाहे ड्राइंग एरिया है, चाहे वो मास्टर बेडरूम है या फिर आपके किचन एरिया है, सारा एरिया जो है वो आपका बालकनी के साथ अटैच है। एंड लुक एट द एरिया ऑफ द बालकनी, बहुत बढ़िया वाइडर स्पेस की बालकनी कंपनी ने यहां पर आपको लगा करके दी है। आप देखेंगे कि काफी ओपन बालकनी है यहां पर आपको। आइए, अब सर हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। अगर आप इसके रूम का साइज देखेंगे तो दैट इज वेरी ह्यूज, बहुत ओपन साइज कंपनी ने यहां पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और ये साइज जो है मेरे हिसाब से 12x16 के आसपास इसका रूम का साइज है। ये आपका मतलब मैं थोड़ा सा एक अंदाजा लगा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, बट अभी ये मैं एक अंदाजा लगा करके आपको बता रहा हूँ। आइए, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपका हर एक बेडरूम जो है वो आपका बालकनी के साथ अटैच है, तो ये वाला जो बेडरूम है ये भी बालकनी के साथ अटैच है। और ये वही एरिया है जो हम अपने ड्राइंग एरिया से जहां से निकले थे, तो ये वही बालकनी है आपकी। आपका जो फर्स्ट बेडरूम है वो आपका उसका अटैच वॉशरूम है, और ये जो वॉशरूम है कंप्लीट वॉशरूम की फिटिंग्स के साथ आ रहा है। आप सेम टू सेम आप जो फिटिंग्स देख रहे हैं आपकी एज इट इज सेम टू सेम रहने वाली है। हो सकता है कि आपका टाइल्स का कलर चेंज हो, बट टाइल्स भी आपकी सेम एज इट इज ही रहने वाली है। और ये वाला जो वॉशरूम है ये आपका सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है,
और सेकंड बेडरूम का जो गेट है वो आपका डाइनिंग एरिया के साथ में या फिर मैं किचन एरिया के साथ में उसे कह सकता हूँ। और इसका भी रूम साइज जो है काफी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया भी जो है वो आपका बालकनी के साथ अटैच है। अब हम आते हैं सर इसकी किचन एरिया की तरफ। दिस विल बी योर किचन एरिया। किचन एरिया कंपनी आपको इसमें एज इट इज सेम टू सेम लगा करके आपको दे रही है। यहां पर आपको अपने किचन का थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कंपनी ने किचन का कोई प्रोविजन नहीं दिया सिर्फ इस एरिया के अलावा। कंपनी ने आपको यहाँ पे स्लैब लगा करके दी हुई है तो आपको उसके ऊपर अपना थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ेगा। अब सर हम आते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ एंड दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है क्योंकि इसके साथ इसके अटैच वॉशरूम है। नॉर्मली कंपनी ने सर्विस क्लास के मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन की फ्लोरिंग दी है बट इसके अंदर इन्होंने आपको सिंपल यही फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड करवाई है। तो ये इसका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। अटैच वॉशरूम आपका एज इट इज सेम टू सेम रहेगा विद कंप्लीट वॉशरूम की फिटिंग्स। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि टाइल्स का कलर में भी शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए बट क्वालिटी आपकी सेम एज इट इज रहने वाली है। और सर मुझे इसके बेस्ट पार्ट आपको दिखाना है। दरवाजा थोड़ा सा लॉक है तो मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूं। हम इसकी सेकंड बेडरूम की तरफ से बाहर जा रहे हैं जिसकी बालकनी का आपको नहीं दिखा पाया था। दिस विल बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। लुक एट द बालकनी एरिया ऑफ द फ्लैट। ये आपकी करीब करीब 12 फीट की बालकनी है। 12 फीट की बालकनी है सर। आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए इतनी बड़ी बालकनी इतना ह्यूज स्पेस आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये वाला जो एरिया रहने वाला है ये एरिया आपको वॉशिंग का एरिया रहने वाला है। और ये आपका किचन का दरवाजा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि किचन भी आपका बालकनी के साथ अटैच है और ये मास्टर बेडरूम का दरवाजा है तो ये वाला जो है ये भी बालकनी के साथ अटैच है। अब मैं इसके एक और एडवांटेज की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। आइए ये जो आप एरिया देख रहे हैं कंपनी ने आपको ये अगर आप अपर ग्राउंड प्लान कर रहे हैं तो ये एरिया आप ही के लिए होने वाला है। अभी हम स्टेयर केस से नीचे उतर के नीचे जा रहे हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये आपका एज इट इज सेम टू सेम कंपनी आपको देने वाली है। हालांकि कंपनी जो आप झाड़ फूस देख रहे हो ये कंपनी आपको हटा के देगी। यहाँ पर आप अपना बढ़िया सा लॉन मेंटेन कर सकते हैं। ये एरिया करीब करीब आपका 300 स्क्वायर फीट के लगभग का एरिया है। आप यहाँ पर अपना स्टोर रूम बना सकते हैं अपना सर्वेंट क्वार्टर बना सकते हैं या फिर जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। आपकी 20-25 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है छोटी सी पार्टी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ अपर ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए ही एडवांटेज है। तो ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट था जो कि मुझे लगता है। और अभी सर हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि सर अभी हमने जो फ्लैट देखा है वो एम्ब्रोजिया का फ्लैट था। अपर ग्राउंड फ्लोर 1646 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 2 वॉशरूम। तो सर मुझे इजाजत दीजिए। मैं वीरेन दोबारा फिर से आपको किसी और प्रोजेक्ट की एक विजिट जरूर करवाऊंगा। करवाते रहेंगे आपको हर एक प्रोजेक्ट की विजिट्स वगैरह। बाकी अगर आपको मेरी ये विजिट पसंद आई हो और आपको मेरा काम बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नीचे नंबर है आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। आप कभी भी कॉल कीजिए। तब तक के लिए सर टाटा बाय बाय टेक केयर धन्यवाद।